हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ सीमा। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे से होंगे, मज़े में होंगे। तो आज का ब्लॉग मैं मॉर्निंग वॉक से शुरू कर रही हूँ। मॉर्निंग वॉक मैं डेली ही करती हूँ, पर मैं ज़्यादा नहीं कर पाती। सुबह में आधा घंटा कर रही हूँ, और दो वैसे तो मैं दो राउंड करती हूँ, पर आज एक ही राउंड कर पा रही हूँ, क्योंकि आज मुझे सुपरमार्केट से कुछ ग्रॉसरी सामान लेनी है। तो चलिए देखिए, मैं ग्रॉसरी सुपरमार्केट आ गई हूँ, और यहाँ से दूध अंडे वगैरह ये सब लेके फिर घर पे आपसे मिलती हूँ। ये देखिए गाइस, यहाँ कितनी तरह के अंडे।
मैं बनाने जा रही हूँ पाव भाजी। मेरी बेटी को बहुत पसंद है। मैं बहुत ज़्यादा खास करती नहीं, फटाफट बस करती हूँ मैं। तो मैं जैसे बनाती हूँ वैसे मैं दिखाती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें मैंने 2 प्याज लिया है, 3 हरी मिर्च लिया है, 3 गार्लिक चिली ली, थोड़ी सी अदरक ली है और गार्निश के लिए धनिया पत्ता और थोड़ी चॉप्ड अनियन, आलू बॉइल्ड और थोड़ी सी मटर और गाजर, ये फ्रोजन है फ्रेश भी ले सकते हैं, और थोड़ी सी पनीर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, टमाटर को बड़े बड़े पीस काट के उसको पहले पीस लेना है। पीस लेना है, इसमें मैं गार्लिक थोड़ा सा डालती हूँ और 2 हरी मिर्च और थोड़ी सी अदरक, इतनी ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी चाहिए अदरक। थोड़ी सी अदरक इसमें डालती हूँ और ये सारा डाल के इसको पहले पेस्ट बना लेती हूँ। बस हो गया, बस ऐसे ही पेस्ट बना लेना है। अब आगे की प्रोसेस, ये थोड़ी गर्म हो जाए फिर इसमें हम जीरा डालते हैं। तेल गर्म हो जाए फिर इसमें थोड़ा सा जीरा, जब गर्म हो जाए तो थोड़ी सी हींग डालते हैं। हींग डालने के बाद ये जो हमारी चॉप्ड अनियन है इसको डालेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बनाती हूँ, झटपट हो जाती है, थोड़ा टाइम नहीं लगती। ये थोड़ी हल्की ब्राउन हो जाती है, ब्राउन होने के बाद फिर मैं इसमें मसाला डालती हूँ। जब ये थोड़ी ब्राउन हो जाए तो इसमें मैं जो गाजर और मटर है वो डाल दूंगी। देन शिमला मिर्च है, शिमला मिर्च डाल दूंगी, हल्के से ब्राउन करूंगी, हल्के से भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना। ये जब तक हल्के भून रहा है तब तक आप पोटैटो को थोड़ा सा मैश कर लीजिए या फिर हल्के से भून जाए। फिर अब इसमें टमाटर और लहसुन का जो मैंने पेस्ट बनाया था अदरक टमाटर लहसुन को वो इसमें डाल देंगे। तरीके से मैं बनाती हूँ वो भी बहुत सिंपल तरीके से है, वो किसी और दिन मैं बताती हूँ आपको। बहुत ही जल्दी बन जाते हैं ये, थोड़ा सा और भुन जाए इसके बाद बाकी मसाले मैं इसमें डालती हूँ। हल्दी, धनिया, लाल मिर्च पाउडर और नमक, ये थोड़ा डाला था अभी और थोड़ी देर मैंने इसे भुना। अब हम इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी, पाव भाजी मसाला
थोड़ी सी गरम मसाला, थोड़ी भुन गई है। अब इसमें मैं थोड़ा सा बटर डाल देती हूँ, बाद में बटर ना डालो तो थोड़ा अच्छा लगता है। हुआ आलू जो था वो डालते हैं, आलू डाल के थोड़ी देर भून देते हैं। इसमें हम थोड़ी सी कसूरी मेथी भी डालते हैं। तेल देखिए छोड़ दिया है चारों तरफ। अब इसको थोड़ा सा हम मैश करेंगे। फिर हम इसमें पनीर के छोटे छोटे क्यूब्स डाल देंगे। इधर और पकने के लिए छोड़ देंगे, और देख लेंगे। ये देखिए कलर छोड़ चुका है, ये हमारा पाव भाजी तैयार है। अब इसके साथ पाव सेक लिया जाए, गर्मा गर्म पाव भाजी तैयार है। आप लोग भी इंजॉय कीजिए।